Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। हर सुबह की तरह आज भी मैं आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 26 अगस्त का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर और कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन को मिलती रहे। क्वेश्चन देखते हैं, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले महिला समानता के बारे में हम लोग देखते हैं। हमारे समाज के दो अभिन्न भाग हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। अगर हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे घर को स्ट्रांग करना है तो इन दोनों पहलू को स्ट्रांग करना पड़ेगा, तब जाके हमारी स्थिति बहुत अच्छा हो पाएगा। भारत जहां एक ओर आर्थिक राजनीतिक प्रगति की ओर अग्रसर है, वहीं देश में आज भी लैंगिक असमानता की स्थिति गंभीर रूप से बनी हुई है। किसी भी समाज की प्रगति का मानक केवल वहां का परिमाणात्मक विकास नहीं होना चाहिए। समाज के विकास के प्रतिभागी कर रहे सभी व्यक्तियों के मध्य उस विकास का समावेशन भी होना अति आवश्यक है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्राचीन या वैदिक काल में सुदृढ़ थी। उस समय महिलाओं को सभा और समिति जैसे सामाजिक संस्थाओं में समान प्रतिनिधित्व का मौका मिलता था, लेकिन प्रवर्ती काल के पश्चात महिलाओं की स्थिति लगातार कमजोर होती गई। पर आधुनिक काल के कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लैंगिक समानता हेतु किए गए प्रयास अत्यधिक प्रशंसनीय रहा है, तथा इन प्रयासों से महिलाओं और समानता की नवीन अवधारणा का उद्भव हुआ है एवं स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित भारतीय संविधान में भी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए संबंधित विभिन्न प्रावधान भी किए गए हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए अनेक प्रकार के पहल शुरू किए गए हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर सुकन्या योजना हो या फिर 3 तलाक जैसे विडंबना को बैन करना हो। उसी तरीके से हम लोग को भी फर्ज बनता है अपने घर समाज में ये स्थिति को कायम न होने दें, हमारे घर के स्त्रियों को भी उतना ही मौका मिले जितना पुरुष वर्ग को मिलता है। खैर, विषय वस्तु से भटकते हुए नहीं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 अगस्त को मनाया जाता है, 26 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है वो देखते हैं। यह दिन अमेरिकी संविधान संशोधन के 19वें संशोधन के पारित होने के याद दिलाता है, जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था। 19th Amendment के द्वारा महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्रदान किया गया था। 1971 में अमेरिकी कांग्रेसी ने आधिकारिक तौर पर 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मान्यता दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कितने SAG को यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया है? तो कुल 51 SAG को यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवाले ने 24 अगस्त को आतंकवाद का मुकाबला करने में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की 51 विशेष कार्य समूह को यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अब तक 3 अशोक चक्र सहित कई गैलेंट्री अवार्ड्स भी अर्जित किए हैं।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की पहली महिला गोल्फर ने ब्रिटिश ओपन जीता है? ये जर्मनी के महिला गोल्फर हैं जो कि ब्रिटिश ओपन जीता है। विश्व में 304 रैंकिंग वाले सोफिया पोपोव स्कॉटलैंड ने रॉयल ट्रॉन में 2 स्ट्रोक से महिला ब्रिटिश ओपन जीतने के बाद प्रमुख खिताब पर कब्जा करने वाला जर्मनी का पहली महिला गोल्फर बनी है। यह थाईलैंड के जैस्मिन सुवनपुरा को हराकर जीती है। ये है सोफिया पोपोव स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद 30% पाठ्यक्रम को कम करने का निर्णय लिया है? 30% पाठ्यक्रम को कम करना है, काफ़ी सहूलियत मिलेगा लोगों को पढ़ने में। ये असम के द्वारा ये पहल लिया गया है। अब असम से जुड़े फैक्ट देखते हैं। असम का कैपिटल दिसपुर, लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी, डिस्ट्रिक्ट कुल 33 है, पॉपुलेशन वाइज रैंक 15th है और एरिया वाइज रैंकिंग 16th है। गवर्नर जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनवाल और विधानसभा में कुल 126 सीट, राज्यसभा में 7, लोकसभा में 14 और हाईकोर्ट का है गुवाहाटी हाईकोर्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, भारत के साथ कितने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह किया गया है AIIB के द्वारा, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता हस्ताक्षर किया गया है। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई रेलवे विकास निगम ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। AIIB से जुड़े फैक्ट देखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फॉर्मेशन कब किया गया था? 16 जनवरी 2016 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? चीन का राजधानी बीजिंग। और कौन कौन से रीजन में सर्व करता है? एशिया एंड ओशेनिया, ओशेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। मेंबरशिप ऑफ AIIB यानी 78 मेंबर है। प्रेसिडेंट कौन है? जीन लिक्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लिंगराज मंदिर के आसपास के क्षेत्र में विकास हेतु ओडिशा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है एक मरा क्षेत्र योजना, जो कि ओडिशा सरकार के द्वारा लिंगराज मंदिर के आसपास के क्षेत्र में किया गया है। अब ओडिशा से जुड़ा फैक्ट देखते हैं, कैपिटल भुवनेश्वर, लार्जेस्ट सिटी भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, यूनिकैम्बर में 147 सीट है, राज्यसभा में 10, लोकसभा में 21 और हाईकोर्ट क्या है? ओडिशा हाईकोर्ट। एरिया वाइज रैंकिंग 8 और पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग 11th। यह है लिंगराज मंदिर के आसपास का मैप में फोटो है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड की जाने वाले COVID-19 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। अभी अधिकांशतः लोगों के फ़ोन में ये ऐप है जो COVID-19 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है। यह ऐप 2 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। 15 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता और 6.6 मिलियन से अधिक ब्लूटूथ ट्रेस किए गए संपर्कों के साथ भारत का आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन आरोग्य सेतु आज तक दुनिया में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन है। यह आरोग्य सेतु का ऊपर का चित्र है। इंडियन एयरफोर्स ने 24 अगस्त को कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो उस एप्लीकेशन का नाम MyIAF है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिस ऐप विल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स रिलेटेड टू करियर च्वाइस इन द इंडियन एयरफोर्स। MyIAF ऐप में भारतीय वायुसेना में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों जैसे विवरण होंगे। अब एयरफोर्स के बारे में देखते हैं, कब फाउंड किया गया था? 8 अक्टूबर
1932 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली। और मोटो क्या है? नव स्पर्श दीप्तम। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है। चीफ इन एयर स्टाफ एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वाइस चीफ एयर स्टाफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा। यह है आपका वायुसेना का टैग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने सिलुरु नदी में एक दुर्लभ मछली देखी जिसे IUCN की सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उस मछली का नाम क्या है? तो उस मछली का नाम महसीरा है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म IUCN का है। महसीरा मछली आमतौर पर हिमालयी नदियों में पाया जाता है जो ठंडे क्षेत्र में बहती है। सिलू नदी कहाँ है? यह नदी सबरी नदी का एक सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत परियोजना के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन हेतु DRDO द्वारा कितने सिस्टम और सब सिस्टम को शामिल किया गया है? तो कुल 108 सिस्टम और सब सिस्टम को शामिल किया गया है आत्मनिर्भर भारत परियोजना के तहत। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। 1958 में फॉर्म किया गया था। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली और मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस इंस्टीट्यूट के द्वारा नैनीताल का जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और हिमालयी क्षेत्र पर इसके प्रभाव का संचालन किया जाएगा? तो ये ARIES के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और हिमालयी क्षेत्र के प्रभाव का संचालन किया जाएगा। अब आर्यभट्ट, इसका AIRS का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज। यह सम्मेलन 14 सितंबर 16 सितंबर 2020 के बीच में होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 अगस्त 2020 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति का बैठक आयोजित की है? तो ये किया गया है उज्बेकिस्तान के द्वारा, जहां इन्होंने व्यापार और निवेश और लाइन ऑफ क्रेडिट परियोजना जैसे अपने द्विपक्षीय हितों पर चर्चा की है। अब उज्बेकिस्तान के बारे में फैक्ट देखते हैं। कैपिटल है ताशकंद, करेंसी उज्बेक सोम, ऑफिशियल लैंग्वेज है उज्बेक, और लेजिस्लेचर है सुप्रीम असेंबली, अपर हाउस, जिस तरीके से अपर हाउस को यहाँ राज्यसभा बोलते हैं उस तरीके से वहाँ सीनेट बोलते हैं, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव चैम्बर, प्रेसिडेंट सबकत मिर्जायेव और प्राइम मिनिस्टर कौन है? अब्दुल्ला अरिपोव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 11,000 करोड़ की 45 हाईवे परियोजना लॉन्च की है? ये मध्य प्रदेश में नितिन गडकरी के द्वारा 11,000 करोड़ की 45 हाईवे परियोजना का लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश से जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैपिटल है भोपाल, लार्जेस्ट सिटी इंदौर, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा को 230 सीट, एरिया वाइज रैंकिंग है सेकेंड है, ऑपरेशन वाइज रैंकिंग फिफ्थ, लोकसभा में 29 सीट और राज्यसभा में कुल 11 सीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस या पखवाड़ा मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। कब से कब तक? 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिन दिया जाएगा? तो अक्टूबर 31 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए नरेंद्र मोदी के द्वारा लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, अक्टूबर 31 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार गुजरात में प्रदान किया जाएगा।
16 क्वेश्चन देखते हैं। NRI एकीकृत पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ? लखनऊ। लार्जेस्ट सिटी कौन है? कानपुर है। ठीक है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, विधानसभा में कुल 403 सीट, विधान परिषद में 100 सीट, राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80। हाईकोर्ट कहाँ? अलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज और ब्रांच लखनऊ। एरिया वाइज रैंकिंग 4th है और पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग क्या है? फर्स्ट रैंक पे एग्जिस्ट करता है। कल एक क्वेश्चन कराया गया था, क्वेश्चन था वैचिंग भूटिया के नाम से किस राज्य में उनके नाम से स्टेडियम बनाया जा रहा है। उस क्वेश्चन का आंसर गलती से मैंने मिजोरम बोल दिया था, उसका आंसर सिक्किम होगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। देखते हैं क्वेश्चन द लास्ट डे, जो क्वेश्चन आप लोग से कल पूछा गया था, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अगस्त 2020 में महिला सशक्तिकरण के लिए रिलायंस और एलेना के साथ हस्ताक्षर समझौता को ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा ये समझौता का हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है। अब फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। ठीक है। क्वेश्चन है, तीरअंदाज आर्चरी खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी जीतने वाला कोच का नाम बताइए। ऑप्शन ए है धर्मेंद्र तिवारी, आकाश तिवारी, पुरुषोत्तम राय और आनंद उपाध्याय। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें।